बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। हम अपने सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कैसा इल्म जो मुझे अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए और एक अच्छा पाकिस्तानी शहरी बनाए। आज हम बात करेंगे अपने सबक में कि मफूल क्या होता है। काम करने वाला फाइल होता है, जिस पर काम होता है उसे मफूल कहते हैं। जैसे हम इस मिसाल में देखते हैं, अली ने दूध पिया। अब देखें कि अली जो है वो काम करने वाला है, फाइल है, और काम वो जो कर रहा है वो पी रहा है। और क्या चीज़ पी रहा है? दूध। तो हम दूध को कहेंगे, दूध जो है वो मफ़ूल है जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो फाइल जो है वो अली है, काम करने वाला। पिया जो है वो एक फेल है, और मफ़ूल जो है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो है। तो प्यारे बच्चों, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ पे जाना है। क्योंकि ये ज़िंदगी थोड़ी सी है, इसका हर लम्हा कीमती है। क्यों ना हम अपना हर लम्हा जो है वो अजर का बनाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने रब को जाने, अपने आप को जाने, अपने ज़िंदा रहने का मकसद बनाएं। तो वो कैसे पता चलेगा है कि हमने कौन से रास्ते पर चलना है। वो सीधा रास्ता जिसमें हम अपने हर नमाज में दुआ मांगते हैं, हिदे नस्सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। वो कैसे पता? आज हम बात करेंगे अपने सबक में कि मफूल क्या होता है। अपने सबक की तरफ आते हैं। अब हम कुछ जुमले देखेंगे जिनमें जो मफूल है उसके ऊपर हमें दायरा लगाना है। ठीक है, हमने मफूल के ऊपर दायरा लगाना है। हमारे पास हामिद फुटबॉल खेल रहा है। अब देखें कि हामिद क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है। आपको पता है फुटबॉल किसके साथ खेलते हैं? जो मफूल है वो है फुटबॉल। यानी देखें तो हमारे पास हामिद फुटबॉल खेल रहा है, और इसमें जो मफूल है वो फुटबॉल है जिसके ऊपर काम हो रहा है। अब हम अगला जो, आबिद ने बल्ला घुमाया। आबिद क्या कर रहा है? घुमा रहा है किसको? बल्ले को। यानी बल्ले के ऊपर काम हो रहा है। तो हम बल्ला जो है वो मफूल है, यानी जिसके ऊपर काम हो। हम देखें तो आबिद ने बल्ला घुमाया, आबिद ने बल्ला घुमाया, और बल्ला क्या है? मफूल है। अब हम अगले जुमले की तरफ चलते, जो मफूल है वो है फुटबॉल। यानी अगर गाड़ी जो है वो मफूल है, देखें अब्बू गाड़ी चला रहे हैं, और इसमें मफूल जो है वो गाड़ी है। अगला जुमला, माहीन बच्चों को पढ़ा रही हैं। माहीन जो है वो टीचर हैं, और क्या काम कर रही हैं? पढ़ा रही हैं किसको? बच्चों को। मफूल क्या है? बच्चों, जिनके ऊपर काम हो रहा है। माहीन बच्चों को पढ़ा रही है, माहीन बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चों जो है वो मफूल है। अम्मी ने टेलीफोन ख़रीदा, अम्मी ने टेलीफोन ख़रीदा। किसने ख़रीदा? अम्मी ने। ख़रीदना एक काम है, क्या चीज़ खरीद? तो टेलीफोन जो है वो एक मफूल है।
और अब हम इसको देखते हैं। मम्मी ने टेलीफोन खरीदा और इसमें हमने दायरा किसके ऊपर लगाया? टेलीफोन के ऊपर, क्योंकि टेलीफोन जो है वो मफूल है। तो उम्मीद है सबक की समझ आई होगी कि मफूल किसको कहते हैं। उर्दू ग्रामर में मफूल जो है वो चीज़ होती है जिसके ऊपर काम किया जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।